गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड्स और एस्चुरीज इकोसिस्टम। ये देखिए हमारी जो वेटलैंड्स होती हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या होती है। फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती है ये, प्लांट्स एंड एनिमल को हैबिटेट प्रोवाइड करवाती हैं ये, वेदर को नॉर्मल रखने में हेल्प करती हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं। अब वेटलैंड इकोसिस्टम कौन कौन सा होता है। ये इकोसिस्टम हमारा वेटलैंड जैसे छोटी लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ये वो जो वाला इकोसिस्टम होता है, फ्लड प्लेन्स हो गए, वो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो हैबिटेट है वो वेटलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। वेटलैंड्स आर द एरियाज इंटरमीडिएट इन करेक्टर्स बिटवीन डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर ट्रांजिशनल इन द नेचर एंड ऑफन लोकेटेड बिटवीन देम। मीन्स जो एक डीप वाटर वाला एरिया होता है और एक जो लैंड वाला एरिया होता है, जो उनके बीच का जो इंटरफेस होता है, जो इनके बीच का एरिया होता है, उसको बोला जाता है वेटलैंड। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, लिटोरल्स। लिटोरल्स क्या होते हैं, ये मार्जिनल एरिया होते हैं बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ लेक्स। फ्लड प्लेन्स हो गए, अदर मार्शियन स्वैम्पी एरियाज हो गए। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ मार्स, फन, पीटलैंड, वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश ब्रैकिस और साल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मैरिन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। जो एक्चुअल टाइड है, जो डेप्थ है, उसकी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आती है अपनी वेटलैंड्स में। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, कवर बाई वाटर और हैज वाटर लॉग सोयल फॉर एटलीस्ट 7 डेज ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। मीन्स जो 7 दिन तक पानी में कवर रहती है। प्लांट लाइफ अडोप्ट करती हैं जो हाइड्रोफाइट्स होती हैं, हाइड्रिक सोइल्स होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम, नेचुरल और मैनमेड। पहले तो हम इनलैंड वेटलैंड में देख लेते हैं, इनलैंड वेटलैंड में नेचुरल कौन कौन सी होगी। लेक, ओक्स, पॉन्ड, वाटर लॉज सीजनल होते हैं, प्लाइस, स्वाम्प एंड मार्स। और मैनमेड कौन सी होगी, रिजर्वायर्स, टैंक्स, वाटर लॉज, अबंडेंट क्वेरीज, एस पॉन्ड, कूलिंग पॉन्ड। अब कोस्टल में नेचुरल कौन सी होगी, एस्चुरी, लगून, क्रीक, बैकवाटर बे, टिडल, कोरल रिलीफ, रॉकी कोस्ट। और मैनमेड में साल्ट पैंस, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, ये हमारी होगी इसकी कोस्टल वेटलैंड्स, मैनमेड वेटलैंड्स। अब आगे हैं इसके फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस करती हैं ये एनवायरमेंट में। ये हैबिटेट प्रोवाइड कराती हैं फ्लोरा फौना को, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होती हैं ये, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रिच होती हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। न्यूट्रिएंट्स साइकिलिंग में, फ्लड मिटिगेशन में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में, वाटर प्योरिफिकेशन में, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो में, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, फिश फोडर, फ्यूल, बफर शोरलाइन, संगेस, इरोजन, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। और इसके रीजंस देख लेते हैं हम डिप्लीशन के। कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना, ओवर ग्रेजिंग, एक्वाकल्चर, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ, क्लाइमेट चेंज, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इसके कुछ रीजंस हैं वेटलैंड्स के डिप्लीट होने के। अब मिटिगेशन, जो इसकी रेमेडीज है, इसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, सर्वे एंड डिमार्केशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन, प्रोटेक्टिव मेजर्स, वीड कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यूट्रोफिकेशन अमेंडमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। अब लेक से कैसे डिस्टिंग करते हैं, ये क्या क्या डिफरेंस होता है लेक्स और वेटलैंड्स में। आप हम इसमें एक बेसिक सा जो डिफरेंस है इनमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन या फिर थिंग नहीं दे रखी है जिसके बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करें। लेकिन नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ये कंसिडर करता है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि लेक की डेप्थ होती है 3 मीटर से ज़्यादा होती है और जो वेटलैंड्स होती है उसकी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब इंडिया में वेटलैंड्स के बारे में डिस्कस करें तो हम, वेटलैंड्स आर एरिया ऑफ क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, काफ़ी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है इस वेटलैंड्स की, ये जनरल वर्ड्स में लेक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंडिया में है 27,403 वेटलैंड्स हैं, उनमें से 23,444 इनलैंड्स हैं और बाकी 3,959 कोस्टल वेटलैंड्स हैं। ये 18.4% एरिया है जो कंट्री का वो कवर करते हैं और 70%
ये पैडी कल्टीवेशन में यूज होती हैं वेटलैंड्स इंडिया में। जो नेचुरल वेटलैंड है नहीं इंडिया में उनकी रेंज कहाँ कहाँ से है, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड इन हिमालयाज, फ्लड प्लेन्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम्स, सलाइन एंड टेम्पोरली वेटलैंड ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, कोस्टल वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, लगून, बैकवाटर्स, एस्चुरीज, मैनग्रोव, स्वैम्प्स, कोरल रीफ्स एंड सो ऑन। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1985-86 में। इस प्रोग्राम में 115 वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करी गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनमें कंजर्वेशन के जिनमें काम किया गया था। अब इसका एम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स टू प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन एंड एश्योरिंग देयर वाइज यूज ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका एम यही है कि जो अपनी वेटलैंड्स हैं, जो जिस कंडीशन में है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना और उनको आगे डिग्रेडेशन रोकना, जिससे वो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव है जैसे टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, वेटलैंड को, वेटलैंड के प्रोग्राम्स वगैरह को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाती है स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। और इनका क्राइटेरिया क्या क्या होता है, जैसे जो हमारे ये नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है इसका क्राइटेरिया क्या है कि ये कौन सी जगह वेटलैंड में है कौन सी नहीं है, तो ये सेम क्राइटेरिया फॉलो करती है जो अपनी रामसर वेटलैंड्स में फॉलो किया जाता है। ये कुछ क्राइटेरिया है इसके, इफ इट कंटेन रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायो जियोग्राफिक रीजन, मीन्स जो एक रेयर और यूनिक एग्जाम्पल होते हैं जो वो हो गए, या फिर सपोर्ट करते हैं वल्नरेबल एंडेंजर स्पीसीज को, और जो सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन को एनिमल स्पीसीज की जो इम्पोर्टेंट होती है मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इफ इट सपोर्ट्स प्लांट एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स, इफ इट रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ये इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। रामसर जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्यों अनाउंस किए जाते हैं, जिसे मीन्स जो इनकी हालत खराब होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए वो रामसर वेटलैंड्स के अंडर लिए जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉन्ट्रेक्स रिप कोड। ये क्या रिकॉर्ड है जो रामसर्स में जो हमारी वेटलैंड्स है ये उनकी लिस्ट होती है, बेसिकली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उनको रखा जाता है। अब साइट्स देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी है। जो चिल्का लेक है उड़ीसा में 1993 में इसको रामेसर वेटलैंड में डाला गया था, किसकी वजह से, इसमें सिल्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी जिसने माउथ लेक का माउथ चौक कर दिया था, लेकिन 2002 में इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी और एक अथॉरिटी बनाई गई थी इसके लिए, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके लिए इसको रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था 2002 में। हमारी नेक्स्ट साइट है लोकटक लेक मणिपुर में, इसको भी 1993 में रिकॉर्ड में रखा गया था। और जो हमारी फर्स्ट साइट थी इसमें रामसर में क्योदेलाव नेशनल पार्क, यह है राजस्थान में, ये क्यों रखा गया था, वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस ग्रेजिंग रिजिम अराउंड इट। और हमारा नेक्स्ट है निगनपुर लेक, ये फर्स्ट हमारी फ्लोटिंग वेटलैंड थी कंट्री में, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड हैदराबाद में। ये हमारे कुछ मैप है जिसमें सारी वेटलैंड साइट रामसर साइट्स जो मेंशन है। अभी फिलहाल में हमारी साइट्स हो गई हैं अराउंड 38, अभी 10 साइट्स अभी अनाउंस की गई थी रामसर्स के द्वारा जो यूपी, महाराष्ट्र और एक पंजाब में थी, उनको आप अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा कि कौन सी 10 वेटलैंड साइट्स हैं जो अभी इसमें ऐड हुई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा अभी के जो एग्जाम होने हैं उनके लिए, क्वेश्चन उनमें से पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट इकोसिस्टम है एस्चुरी इकोसिस्टम। ये कौन सा इकोसिस्टम होता है, जैसे एक लैंड हो गई और ये सी हो गया, जब इन दोनों का वाटर मिलता है, रिवर मीट्स सी, जब नदी एक समुद्र से मिलती है, जो वो उनका एरिया होता है जो पानी वाला एरिया होता है जहाँ पे दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती है एस्चुरीज। ये एस्चुरी आर वाटर बॉडीज वेयर द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्स विद साल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड बाई टाइड फ्रॉम द ओशियन। एस्चुरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड,
They are located at lower end of river and are subjected to the tidal fluctuations. Estuaries are either once or twice daily washed by sea water. ये जो estuaries होती हैं ये काफी important places होती हैं, इसमें बहुत सारी diversity देखी जा सकती है flora and fauna की. यहाँ पे जो रिवर और सी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये अर्थ के जो प्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस भी रखता है. ये कुछ करेक्टर्स हैं एस्चुरीज के. ये सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी होती है, वाटर बॉडी विद वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट. इट हैज़ फ्री कनेक्शन विद ओपन सी. इट कम्प्लीट सैलिनिटी रेंज होती है इसकी 0 to 35 PPT. Estuaries are very little wave action, so it provides a claim refuge from the open sea. It provides a shelter for some of animals. इसके कुछ characters हैं जो estuaries के होते हैं. Estuaries are most heavily populated areas throughout the world, with 60% of the world population along the estuaries and the coast. अब estuaries formation देख लेते हैं कैसे होती है. सी लेवल राइज हो जाए, ग्लेशियल प्रोसेस, मोमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, टेक्टोनिक प्रोसेस. ये जो क्लासिफाइड होती हैं जियोमॉर्फिकल फीचर्स के बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है. एस्चुरीज न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया भी होता है, और जिसकी वजह से फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है ये. और ये न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर भी करते हैं, जिससे कि ये एक सोर्स भी होता है कि वाटर को फिल्टर करने का. एक हेल्दी एस्चुरीज क्या होती है. ये हेल्दी एस्चुरीज पोर्ट ए होस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल. इट्स स्टोर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ट्रैप सेडिमेंट एंड फॉर्म्स ए बफर बिटवीन कोस्टल कैचमेंट्स एंड मैरिन एनवायरनमेंट. मीन्स जो कोस्टल एरिया हो गया और जो मैरिन एरिया हो गया उसमें ये बफर बना देती है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड ट्रैप्स डिटॉक्सिफाइल्स पोल्यूटेंट्स, एक्टिंग एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर. ये नेचुरल वाटर फिल्टर होता है, मीन्स ये दोनों के बीच में बफर एरिया होता है जो फिल्टर्ड वाटर होता है, जिसकी क्वालिटी दोनों से बेटर होती है. और ये सपोर्ट करती है डाइवर्स हैबिटेट्स को, सच एज मैनग्रोव, साल्ट मार्शेस एंड सी ग्रास, मड फ्लैट्स ETC. अब लाइफ देख लेते हैं हम एस्चुरीज में कैसी होती है. ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स स्पेशली अडेप्टेड टू द ब्रैकिश एस्चुरीन वाटर फ्लोरिश इन द एस्चुरीज. जो लाइफ होती है एस्चुरीज में वो बेसिकली वो डिपेंड करती है उसकी सैलिनिटी कितनी और अमाउंट ऑफ फ्लडिंग उसमें कितनी हो रही है. और एस्चुरीज घर होती है बेसिकली जो टेरिस्ट्रियल एनिमल हो गए और जो अपने सी एनिमल हो गए, जैसे पेलिकन्स, कैनिफर्स एंड एसिडियस ट्रीज एंड बटरफ्लाईज, ये सब वहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती हैं. और एक्वेटिक प्लांट्स जैसे हो गए अपने सी टर्टल, सी लायंस, कैटफिश, साल्ट फ्लोस, एल ग्रास, ये सब कुछ फ्लोरा एंड फ्यूनस वहाँ पे देखने को मिलते हैं. अब एस्चुरीज के बेनिफिट कौन कौन से हैं. ये बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव होती है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं इसके, हैबिटेट ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिक्रिएशन वैल्यूज, टूरिज्म, नेविगेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए टूरिज्म वगैरह की वजह से. पोर्ट एंड हार्बर्स भी होते हैं इसमें. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होती है, एक्वाकल्चर में, इंडस्ट्री में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है. अब इंडिया में एस्चुरीज इकोसिस्टम देख लेते हैं. इंडिया में 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर्स हैं जो ड्रेन होती हैं रिवर्स में, और एस्चुरीज फॉर्म करती हैं. मेजर एस्चुरीज कौन से साइड पे हैं अपने, बे ऑफ बंगाल साइड, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स हैं जो इंडिया में उसी साइड रिलीज होती हैं, उसी साइड ड्रॉप होती हैं. अब इश्यूज ऑफ इंडियन एस्चुरीन इकोसिस्टम, इश्यूज क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रही हैं एस्चुरीज सिस्टम इंडिया में. वाटर फ्लो चेंजेस इन वाटर फ्लो, वेरियस एस्चुरीज आइदर फेस इन एक्सेस और मच लोअर देन रिक्वायर्ड, या ज़्यादा या फिर कम, कौन कौन सी रिवर पे, हुगली पे, नर्मदा पे, कृष्णा पे, या फिर उनके कैचमेंट एरियाज में मॉडिफिकेशन की वजह से उनमें प्रॉब्लम हो जाती है. पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजह से डिग्रेडिंग और उनकी प्रॉब्लम हो गई, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म की वजह से जो उसमें पोल्यूशन इंक्रीज होता है वो प्रॉब्लम होगी, लैंड यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह में जो लैंड यूज होती है उसकी वजह से
एश्योरीज में काफी प्रॉब्लम होती है, कॉमर्शियल फिशिंग एक्वा कल्चर की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो गई है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो गई। ये सारे इश्यूज हैं जो इंडिया में एश्योरीज फेस कर रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनग्रोव्स। क्या होते हैं मैनग्रोव्स? मैनग्रोव्स आर द करेक्टरिस्टिक्स लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सेल्टरल कोस्ट लाइन्स। मैनग्रोव्स आर ट्रीज एंड बसेस ग्रोइंग बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स विच एग्जिबिट्स रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर साल्ट वाटर टॉलरेंस। ये डेफिनेशन दी गई है अपनी FAO के द्वारा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं और इनकी बेस्ट लोकेशंस होती है जो रिवर्स के आसपास होती है या फिर बैकशोर ऑफ एक्रेडिंग सैंडी बीचेस पे होती है। देयर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ फॉर सैलिनिटी एंड टू वाटर लॉस लॉस एनोरबिक मड, इनकी जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कैपेसिटी होती है वो सैलिनिटी स्ट्रेस की वो ज़्यादा होती है। ये हाई सोलर रेडिएशन को कंज्यूम करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। मैनग्रोव्स अकर्स इन अ वराइटी ऑफ कॉन्फिगरेशंस, सम स्पीसीज एग्जाम्पल रिजोफारा सेंड आर्सिंग प्रोप रूट्स डाउन इन इन टू द वाटर। और मैनग्रोव एग्जिबिट करते हैं विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सीड जर्मिनेट इन द ट्रीज इटसेल्फ। जो क्या होता है, सीड से ही ट्रीज से ही सीड गिरते हैं और वही से वो फिर बोर्न हो जाते हैं। मैनग्रोव प्रोफाइल इंडिया में देख लेते हैं। सुंदरबंस लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल होलोफाइटिक मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड। सुंदरबंस है जो लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है मैनग्रोव्स का इंडिया में। और अपने मैनग्रोव्स भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में हो गए और गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में हो गए। मैनग्रोव्स ऑफ पिंजावरम एंड वर्धान्यम वहाँ पे हो गए। ये डिग्रेडेड हो गए हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड साल्ट ऑफ पैंस। ये डिग्रेड अभी मीन्स इनमें डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है। और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया में मैनग्रोव्स ऑफ भितरकनिका। और गुजरात में भी हमारे मैनग्रोव्स हैं, केरला में भी हैं, अंडमान एंड निकोबार में भी हैं। ये रहा मैप, जैसे सुंदरबन महानदी मैनग्रोव्स हो गए, कृष्णा गोदावरी वाले हो गए, अंडमान वाले हो गए, कावेरी डेल्टा के मैनग्रोव्स हो गए, गोवा मैनग्रोव्स, रत्नागिरी मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स ऑफ गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, गोवा वाले, ये सारे इन स्टेट्स में हमारे मैनग्रोव्स मोस्टली इंडिया में देखने को मिलते हैं। और जो साइज के अकॉर्डिंग मैनग्रोव्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो हमारे गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं गुजरात में, और जो टॉलर सेक्टर है हमारे वो है सुंदरबंस में। अब रोल क्या क्या है मैनग्रोव्स का? मैनग्रोव्स प्लांट्स हैव एडिशनल स्पेशल रूट्स सच एज प्रोप रूट्स, प्न्योमेट्रोफोर्स विच हेल्प्स टू इंपीड वाटर फ्लो एंड देयर बाई एनहेंस द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन एरियाज, स्टेबलाइज द कोस्टल सोर्स, प्रोवाइड ब्रीडिंग एंड ग्राउंड फॉर फिश। मैनग्रोव मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स एंड रिड्यूस इनुडेशन ऑफ कोस्टल लैंड्स, सोयल इरोजन को प्रोवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम सुनामी हरिकेन साइक्लोन्स वगैरह से, लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ लैंड। मैनग्रोव सपोर्ट्स न्यूमरस फ्लोरा एंड फ्यूना को सपोर्ट करते हैं, उनको हाउस प्रोवाइड करवाते हैं खाना वगैरह, कोस्टल इनलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इट सप्लाईज फूड वाटर फ्यूल वगैरह सप्लाई करते हैं, और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी और लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं ये मैनग्रोव्स। अब इनमें प्रॉब्लम क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है इनमें? दे आर डिस्ट्रॉयड फॉर कन्वर्जन ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, फ्यूल फोडर एंड सैलिनाइजेशन, माइनिंग ऑयल स्प्लिस, एक्वाकल्चर, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियल पर्पजेज, इनमें इनका यूज हो रहा है तो ये इनके लिए थ्रेट हैं जो जिनकी वजह से ये डिग्रेड हो रहे हैं। तो आज हमने पूरे लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, वेटलैंड डिस्कस किया हमने, फिर एस्चुरीज डिस्कस किया हमने, फिर रामसर साइट्स माउंटेनस रिकॉर्ड्स डिस्कस किया हमने, फिर हमने मैनग्रोव्स डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप
टेलीग्राम पे चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरे को फॉलो करने के लिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उस मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर आपको कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।